देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा में एक घरेलू नौकर को मुंबई में फ्लैट खरीदने के सपने ने किडनैपर बना दिया। वो जिस घर में काम करता था वहीं के एक 7 साल के बच्चे को किडनैप कर छोड़ने की एवज में 1,10,00,000 रुपए फिरौती की डिमांड करने लगा। परिवार ने बिना देरी किए मामले की सूचना पुलिस को दे दी। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की 10 टीमें आरोपित की तलाश में जुट गईं। 3 घंटे के भीतर मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने आरोपित को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपित की पहचान मोनू के रूप में हुई है। वो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। 1 सप्ताह पहले ही परिवार ने आरोपित को नौकरी पर रखा था। जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर सागर हुड्डा ने बताया कि दिनांक 19 अक्टूबर शाम लगभग शाम के 5:39 थाना गांधीनगर में एक PCR कॉल प्राप्त हुई कि सुभाष मोहल्ला से 1 7 साल का बच्चा किडनैप हो गया है और किडनैपर बच्चे को छोड़ने की एवज में 1,10,00,000 रुपए की मांग कर रहा है। तुरंत ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता किडनैप बच्चे की मां ने बताया कि उनके 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि घर के नौकर ने ही किया है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने मोनू नाम के एक नौकर को घर के काम के लिए रखा था। उस समय नौकर मोनू उनके घर 8-9 दिन तक काम करने के बाद नौकरी छोड़कर चला गया था। घर के बच्चे का मोनू के साथ लगाव हो गया था। मोनू के जाने के बाद बच्चा उदास रहने लगा। बच्चे की जिद पर करीब 5-6 दिन पहले मोनू को फिर से काम पर रखा था। पीड़िता ने बताया कि 19 अक्टूबर की शाम लगभग 4 बजे नौकर मोनू बच्चे को पार्क में टहलाने ले गया। करीब 1 घंटे बाद जब वे वापस नहीं लौटा तो पीड़िता ने नौकर मोनू के मोबाइल नंबर पर कॉल की। उसका फोन स्विच था, लेकिन फिर 1 घंटे बाद परिवार को कॉल करके नौकर मोनू ने 1,10,00,000 की फिरौती मांग ली। घबराए परिजनों ने एक PCR कॉल कर पुलिस को सूचना दी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दबोचने और बच्चे को सुरक्षित लाने के लिए पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया। ADCP 1 शाहदरा जिला जितेंद्र कुमार मीना की सुपरविजन व ACP ऑपरेशन शाहदरा डॉक्टर चंद्रा प्रकाश मीना और मनोज पंत के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद SHO गांधीनगर, इंस्पेक्टर राकेश रावत AATS, इंस्पेक्टर विकास कुमार स्पेशल स्टाफ, इंस्पेक्टर संजय प्रकाश SHO गीता कॉलोनी, इंस्पेक्टर शिवराज बिष्ट SHO शाहदरा और इंस्पेक्टर रजनीश कुमार SHO कृष्णा नगर की अलग अलग टीम बनाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सभी टीमों की एक्टिविटीज और टीमों के साथ कोऑर्डिनेट रखने के लिए राजेश ACP शाहदरा की मॉनिटरिंग में थाना शाहदरा में एक कमांड रूम बनाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान चाइल्ड और अक्यूज्ड की आइडेंटिफाई के लिए बच्चे के माता पिता और दोस्तों से आरोपी नौकर के बारे में सभी जानकारियां जुटाई गई। आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। पुलिस की एक टीम लोकेशन ट्रैक करने का काम कर रही थी। एक टीम को सिविल कपड़ों में रेलवे स्टेशनों, नजदीकी मेट्रो स्टेशनों, ISBT और चेक पोस्टों पर तैनात किया गया। पार्क, धार्मिक स्थल, पार्किंग एरिया, एकांत में बनी बिल्डिंगों पर भी नजर रखी गई। आरोपी बार बार कॉल करके फिरौती की रकम की डिमांड कर रहा था। पुलिस के कहने पर पीड़ित परिवार ने आरोपी को बातों में उलझा कर रखे हुए था। आरोपी 1 करोड़ की मांग कर रहा था। पीड़ित परिवार पुलिस के कहने पर 10,00,000 देने की बात कर रहे थे। अंत में आरोपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। इस दौरान पुलिस टीम को आरोपी की पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई थी। करीब 8:30 आरोपी को बच्चे के साथ गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास देखा गया। टीम ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया, बच्चे को सुरक्षित बचाते हुए आरोपी को दबोच लिया। इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी मोनू ने बताया कि वो ग्राम गोपिया PS हजूरपुर जिला बहराइच UP का स्थायी निवासी है। उसने अपने गांव में 8वीं तक पढ़ाई की। वो लगभग 3-4 दिन पहले काम की तलाश में दिल्ली आया था और बाबरपुर दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। ध्रुवी नामक एक महिला की सिफारिश पर पीड़ित परिवार के घर नौकरी पर लग गया था। बच्चे के पिता रोहित का पानी का प्लांट है, रोजाना बड़ी रकम घर में आती थी। इसे देखकर आरोपित की नीयत बिगड़ गई। आरोपित मुंबई में काम कर चुका था। उसे लगा कि यहां से मोटी रकम मिल सकती है। इस पैसे से वो मुंबई में फ्लैट खरीदकर आराम से रह सकता है। बच्चे को घर से बाहर निकालने के बाद उसने पहले साइकिल रिक्शा लिया, फिर TSR में और बाद में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ई रिक्शा किया, जहां से उसे पकड़ लिया गया। बच्चा रोए न इसलिए आरोपित उसे थोड़ी थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक पिलाने के साथ दुकान से चॉकलेट व अन्य चीजें दिलवा रहा था। बच्चे को आखिरकार और सुरक्षित बचा लिया गया। अन्य की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।